Hello students, this is the third video of first chapter of 10th chemistry. Today I am going to explain balanced and unbalanced chemical equation. देखो balanced chemical equation और unbalanced chemical equation में क्या difference है? जो ये example है Mg plus O2 gives us MgO. ये जो chemical equation है, symbolic equation, इस equation में दो तरह के element है, that is magnesium and oxygen. और दोनों ही element के number of atom, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर्स में होते हैं तो उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे अभी तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम का एक एटम है, तो ये तो बराबर हुए. ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड दो एटम है और प्रोडक्ट साइड एक एटम है, तो इट मींस ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो अभी हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड नहीं बोल सकते. बैलेंस होगी ये कब? जब हम यहाँ पे मैग्नीशियम को डबल कर देंगे और इधर भी ट्वाइस कर देंगे. अब मैग्नीशियम के बोथ साइड दो एटम है और ऑक्सीजन के भी बोथ साइड दो दो एटम है, तो नोटबुक पे राइट कीजिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन. एक केमिकल इक्वेशन इज सेट टू बी बैलेंस्ड if number of atoms of every element on reactant end product side are same. अगर elements के number of atom reactant और product side same है तो हम उस equation को balanced chemical equation बोलेंगे. अगर ऐसा नहीं है तो वो unbalanced chemical equation है. तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें. तो इसमें सबसे पहले तो हमें कई बार कोई केमिकल रिएक्शन सेंटेंस फॉर्म में गिवन होती है और कई बार वर्ड इक्वेशन में गिवन होती है, तो फर्स्टली हमें उस वर्ड इक्वेशन को या सेंटेंस्ड की फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. जैसे मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर ये सेंटेंस्ड फॉर्म है तो इसको सबसे पहले हमें इस तरीके से वर्ड इक्वेशन में राइट करना पड़ेगा. ये वाली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और इसको वर्ड इक्वेशन में कैसे सिंबॉलिक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, Mg plus O2 gives us MgO.
तो ये वर्ड इक्वेशन हुई, जैसे हमने ऊपर वाली सिंबॉलिक इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन में राइट किया, Mg प्लस O2 MgO। अभी जो ये वर्ड इक्वेशन है, सिंबॉलिक इक्वेशन है, सॉरी, ये जो हमारी सिंबॉलिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखो कैसे, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम एक है, प्रोडक्ट साइड भी एक है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम दो हैं और प्रोडक्ट साइड एक है। इट मीन्स ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केल्टन इक्वेशन, स्केल्टन इक्वेशन। तो इस स्केल्टन इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को सेम करेंगे, सेम नंबर्स में करेंगे। तो एग्जांपल है, एक कैसे करेंगे, देखो बैलेंस। स्टेप फर्स्ट है कि जैसे एक एग्जांपल है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले उसको हमने सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखा, आयरन का सिंबल Fe प्लस वाटर यानी कि H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस में H2O। ये स्टेप फर्स्ट होगा किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने का। सेकंडली, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में फर्स्ट कॉलम होगा एलिमेंट का, सेकंड होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड, किस एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं, और थर्ड कॉलम होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड, उस एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर तीन तरह के एलिमेंट हैं, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आयरन के रिएक्टेंट साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड थ्री एटम है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड दो एटम है और प्रोडक्ट साइड भी दो एटम है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड एक एटम है और प्रोडक्ट साइड चार एटम है। तो इट मीन्स ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो फिर स्टेप थ्री में क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन में ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा नंबर में ऑक्सीजन है जिसके चार एटम है प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड एक एटम है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड जहाँ ऑक्सीजन है उस टर्म को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें फोर यहाँ लिखना है ना कि यहाँ, क्योंकि यहाँ लिखने से कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है कि इसको बैलेंस करने के लिए हम फोर यहाँ लिखेंगे इसके कोफिशेंट में, इसके आगे। तो स्टेप थ्री में ये फोर हमने यहाँ लिखा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा ज़्यादा नंबर में जो एटम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे जो बैलेंस नहीं है। अभी कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड एट एटम्स है और प्रोडक्ट साइड दो एटम है।
तो इसका मतलब है कि इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी जाके ये इस 8 के इक्वल आएगा, 4 दुनी 8। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों हाइड्रोजन दोनों साइड सेम नंबर्स में हुए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके बाद जो ज़्यादा नंबर्स में है और जो बैलेंस नहीं है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो है आयरन। प्रोडक्ट साइड आयरन 3 है और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड आयरन के सिंबल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आयरन भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस में 4H2। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरीके से अपनी नोटबुक में आप जो एग्जांपल आपको गिवन है उनको सॉल्व करके देखिए, बिना टेबल के भी सॉल्व हो सकते हैं, बिना स्टेप के भी सॉल्व हो सकते हैं। आपने सबसे पहले तो स्केल्टन इक्वेशन को ही देख लेना है कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं है तो फिर आपने लग जाना है जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है एटम उसको बैलेंस करो, जिस साइड जितने की कमी है उसे मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से करते करते आप फाइनल तक पहुंच जाओगे।